आप सबों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग आईसी सेकेंड ईयर डिफेंस सेशन के बारे में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 10C या 2C। एक्सरसाइज 10C में प्रयुक्त होने वाले फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा कि यह दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफेंसेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/(1 − x²) अंडर रूट। जिस प्रकार साइन इनवर्स का इसको लिखे तो कॉस इनवर्स का भी वही होगा, सिर्फ अंतर है यहाँ प्लस देना है और यहाँ पे माइनस होगा। जो साइन वही कॉस, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। आते हैं टेन इनवर्स का डिफेंसेशन 1/(1 + x²), उसी सेम टू सेम आपका आएगा। कॉट इनवर्स का प्लस था, सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/(mod x) अंडर रूट x²-1, जो सेक के लिए आएगा वही कोसेक के लिए आएगा, प्लस और माइनस में फर्क होगा। साइन और कॉस दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस में अंतर होगा। टेन और कॉट दोनों सेम है, प्लस और माइनस का अंतर आएगा। सेक और कोसेक में सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर आएगा। हम लोग इधर बनाते हैं एक्सरसाइज 10C में बहुत 10-12 क्वेश्चन है। हम लोग 10 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लेंगे लेट वाई बराबर वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स जितना दिया रहेगा उसको दे देना। इसको हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर इसको हम लोग शॉर्टकट इंटरनेट के भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं, d/dx जो है उसको उतार दीजिए। d/dx जो है इसको लिख दीजिए कॉस इनवर्स 2x। सबसे पहले आपको कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएट करना है। कॉस इनवर्स के लिए होता है −1/(1 − x²), यहाँ चूंकि एक्स जो है टू एक्स का एक्स जो है एक्स का काम कर रहा है, यानी थीटा का काम कर रहा है 2x, इसका स्क्वायर और यहाँ पे रूट लगा देना है। जैसे ही कॉस इनवर्स का काम खत्म हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है 2x, तो 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का 1 हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, 2 लगा देना है माइनस था तो माइनस लिख दीजिए, 1 − 2 का स्क्वायर 4 और x² यह कहलाएगा आपका आंसर। यह क्वेश्चन में आपका था कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि जो दिया रहेगा आप उसको लिख दीजिएगा टेन इनवर्स x², इसको डिफ्रेंशिएट करना है, शॉर्टकट में लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो है उसको लिख दीजिए d/dx टेन इनवर्स x²। तो सबसे पहला काम है आपका टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट 1/(1 + जितना रहता है उसका स्क्वायर, यानी x² पहले से था उसका स्क्वायर। उसके बाद जैसे ही टेन इनवर्स का काम खत्म हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है x² x² का होगा n x n − 1, 2 खत्म हो गया, फिर x का कितना 1, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x, यानी यहां से मेरा आएगा 2x/(1 + x⁴), ये आपका रहा आंसर। क्वेश्चन इसको पूरा कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स √x। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx, जो है उसको आप लिख दीजिए d/dx, यहां से आपका आएगा sec इनवर्स √x। तो sec इनवर्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/ जितना रहता है उसको आप लिख दीजिए रूट अंडर जितना रहता है थीटा उसका स्क्वायर −1, ये आपका रहा sec इनवर्स का। और फिर रूट एक्स का होगा, रूट एक्स का होता है 1/(2√x), फिर रूट खत्म हो गया, एक्स का होगा, एक्स का कितना 1, ये रहा आपका डिफरेंशिएट। इसको हम लोग पूरा कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं sec इनवर्स, सजा के इसको लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर में हो जाएगा 1, यहाँ रूट एक्स को मॉड लगाइए न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ भी है रूट एक्स तो ये रूट एक्स हो गया, 2 को आगे कर दीजिए 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर x
माइनस वन। फिर से एक लाइन आप इसको लिखना चाहेंगे तो रूट एक्स और रूट एक्स मिलके हो जाएगा आपका एक्स, और अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये आपका रहा आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम लोग आएंगे फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर क्या बोल रहा देखा जाए, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे ए, इसको हम लोग अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में डी बटे डी एक्स। यहां से हम लोग लिखेंगे डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे ए, जैसा कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स का होता है वन बटे वन माइनस जितना रहता है उसका स्क्वायर लगा दीजिए और रूट लगा दीजिए, साइन इनवर्स का काम खत्म हो गया। अब आपको नजर आ रहा है एक्स बटे, अगर आप लिखने में असमर्थ हैं आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस स्थिति में ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाय ए इंटू एक्स, वन बाय ए कॉन्स्टेंट हो गया तो यहां से हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और रूट लगा दीजिए, और यहां से वन बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, एक्स का मान वन हो गया। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो पूरा पर रूट होगा, और यहाँ पे हो जाएगा वन बाय ए, इसको ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ए, इसको ऊपर कर दीजिए तो ऊपर चला जाएगा ए, तो ये यहां से बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइड में है वन बाय ए, वन ए कंप्लीट कट गया, यहां से आपका बचा वन बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम लोग कर सकते हैं ये आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था इसको पूरा कर दीजिए। क्वेश्चन फाइव, पांच नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटे डी एक्स वाई लगा देना है, यहां से हम लोग लिखेंगे डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स लॉग जितना रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले टेन का काम होगा वन बटे वन प्लस जितना रहता है उसका स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये आपका टेन का काम हो गया। अब लॉग एक्स का काम होगा, लॉग एक्स का काम होता है वन बटे जितना रहता है उसको लिख देना है, वन बाय एक्स, लॉग का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा है एक्स, एक्स का कितना वन, तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं वन बटे एक्स को आगे कर लीजिए, यहां से बचेगा वन प्लस लॉग एक्स का होली स्क्वायर, अगर ये ब्रैकेट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ब्रैकेट दे दीजिए, अति उत्तम है ये आंसर। यहाँ क्वेश्चन को पूरा कर दीजिए, लॉग लगा दीजिए, यहाँ था टेन टेन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में डी बटे डी एक्स वाई, यहां सब लोग लिखेंगे डी बटे डी एक्स कॉट इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, तो यहां से हम लोग कॉट इनवर्स का होता है माइनस टेन, जो टेन वही कॉट सिर्फ प्लस की जगह माइनस, वन बटे वन प्लस जितना रहता है उसका स्क्वायर, ये कॉट का काम हो गया। अब ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ये खत्म हो गया, एक्स का कितना वन, इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं ई टू दी पावर एक्स बटे वन प्लस, हम लोग जानते हैं पावर पावर गुना होता है, यानी ई टू दी पावर टू एक्स लिख सकते हैं। यहां से मेरा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे था आपका कॉट इनवर्स क्वेश्चन सिक्स। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट वाई इज इक्वल टू वाई बराबर लॉग टेन इनवर्स एक्स, एक बार हम लोग बना चुके हैं टेन इनवर्स लॉग एक्स, टेन इनवर्स लॉग एक्स, अब है लॉग टेन इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बटे डी एक्स जो है उसको उतार दीजिए, डी बटे डी एक्स लॉग लगा देना है, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख दीजिए। सबसे पहला यहाँ हेड आपका काम कर रहा है लॉग का, लॉग का आता है वन बटे, वन बटे मतलब जितना थीटा के रूप में रहेगा, यानी ये हो गया आपका थीटा, लॉग का काम खत्म हो गया। अब बच रहा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का होता है वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन का काम कंप्लीट हो गया, अब बचा एक्स, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन, इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं वन, यहां से आएगा टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। यहां क्वेश्चन लिख दीजिए टेन इनवर्स लॉग। क्वेश्चन नंबर एट, लेट वाई इज इक्वल टू जो दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, यहां से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी बटे डी एक्स वाई, यहां से आपका आ जाएगा डी बटे डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्यूब,
यहां से हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला काम कॉट का होगा, तो कॉट के लिए होता है 1/1 प्लस जितना रहता है उसका स्क्वायर और माइनस, 10 रहने से -2 नहीं होता, ये कॉट का काम कम हो गया। अब एक्स क्यूब के लिए हम लोग लिखेंगे 3x 3 - 1, 3 खत्म हो गया, अब एक्स के लिए कितना 1। इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं 3x² माइनस लगा दीजिए 1 प्लस पावर पावर गुना होता है, यानी यहाँ हो जाएगा 6, ये हो गया आंसर। हम यहाँ पे लग दीजिए x³, यहाँ cot इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। तो सबसे पहला काम है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx, y यहाँ पर लिख देंगे d/dx साइन इनवर्स cos x। जैसा कि यहाँ देखिए साइन इनवर्स हेड है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस जितना रहता है थीटा के रूप में उसका स्क्वायर और रूट, ये साइन इनवर्स का काम हो गया। अब कॉस एक्स का होता है -sin x, कॉस भी खत्म हो गया, अब नजर आ रहा है एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं -sin x/1 - cos² x, 1 - cos² को हम लोग लिख सकते हैं sin² x, यहां से आपका आएगा -sin x, नीचे हो जाएगा sin² x। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट दोनों आपस में हट जाता है, यानी sin x/sin x दोनों कट गया, एक बचा आपका 1 यानी माइनस है, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा कर दिया जाए cos x sin इनवर्स x। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू 1 + x² और tan इनवर्स x। यहाँ पे इसमें भी x है सेपरेट, इसमें भी x है सेपरेट, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ये u/v। यहाँ इसमें इसके साथ x नहीं है इसलिए ये सेपरेट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको साइन इनवर्स का गुलाम है, यहाँ किसी का गुलाम कोई नहीं है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग इसको हम लोग u/v के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस y का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी जितना रहेगा उसका डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट में, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड वाला बाहर, यानी टेन इनवर्स एक्स बाहर, d/dx 1 + x² प्लस 1 + x² बाहर, डिफ्रेंशिएट करना है टेन इनवर्स का, d/dx टेन इनवर्स एक्स। यहां से हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स 1 + उसका डिफ्रेंशिएट 1 का 0, x² का 2x, और 1 + x² को रहने दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 + x², ये और ये दोनों कट गया, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यानी गुना कर दीजिएगा 2x, और यहाँ से आपका आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस, ये दोनों कट गया बचा 1, यानी ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10। अब जो बच गया क्वेश्चन, आपका 4-5 क्वेश्चन बच गया, आप उसको कोशिश करेंगे, यदि आपसे नहीं बनता है तो हमको कमेंट करेंगे और हम उसमें फिर से अगला वीडियो में हम उसको बना के भेज देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।